मैं जा रहा हूँ आज लड़की देखने जा रहा हूँ एक। दादी आशीर्वाद आशीर्वाद प्रणाम प्रणाम। अब भगवान करे पसंद आ जाए। ऐसा वर्णन आता है कि जहाँ पे आज वर्तमान में कोटेश्वर महादेव है, अगर आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने आते हो या कहीं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है ना वो ये है भाई। अभी टाइम 5:50 हो रहा है और अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है, मैं ही आया हूँ, लेकिन मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं ना वो अभी आ ही रहे हैं, अभी तक गांव वाला कोई नहीं आया यहाँ पे, तो इसीलिए मैं लेट आता हूँ यहाँ पे। मतलब मन करता है 4:30 तक तो घर से निकल ही जाऊँ। अब यहाँ पे लेट आने का रीज़न एक और भी है, मेरे को ना रनिंग इस साइड को करनी होती है और ये पूरा जंगल है और पता चल रहा है कभी भालू शेर इस टाइम पर ना बहुत आते हैं, तो उनसे सामना हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए देर आओ दुरुस्त आओ, तो मैं आराम से ही आता हूँ। बाकी यार पहाड़ों का कुछ मौसम ऐसा है, बादल लगे हुए हैं पूरे और 2-3 दिन से थोड़ी बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम कुछ ऐसा ही है। चलो अपने साथ का एक और आ गया, गुड मॉर्निंग भाई, मतलब अब जाके मेरे को पार्टनर मिल गया, चलते हैं ना। चल 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 लौंडे चल। ये मोटर भी घूमी रे, थोड़ा बॉडी इंच पुश कर। आज का मॉर्निंग वर्कआउट तो हो गया मेरा पूरा और अब ना हमारे गांव में भी थोड़ी थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी है, यात्री लोग आने लगे हैं क्योंकि बरसातें कम हो गई हैं। बाकी मैं भी पहुंचने वाला हूँ घर पे। दादी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ गई दादी? उठ गई। और दादी ने देखो सुबह सुबह ना आज इसमें क्या क्या रखे हैं, इसमें मुनक्के और किशमिश ये बिगाड़ी दादी ने और ये मिल लेके आ गई दादी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी ना मैं घर आया और फटाफट से रेडी हो गया क्योंकि आज मुझे और पापा और एक दूसरे भाई जी हैं उनको ना रुद्रप्रयाग जाना था। पापा और उनका प्लान था ही जाने का, लेकिन मैंने बोला पापा मैं भी चल रहा हूँ, मैं घर पे ही क्या ही करूँगा, ना काम है कुछ ऐसा कुछ है नहीं तो मैं भी चलता हूँ। तो पापा ने बोला चल ले, गाड़ी बुक हो ही रखी है तो तू भी चल ले। तो अभी मैं रेडी हो गया, नाश्ता भी हो गया और निकलते हैं फिलहाल घर से रुद्रप्रयाग के लिए। दादी बैठ वहाँ, मैं जा रहा हूँ आज लड़की देखने जा रहा हूँ एक। दादी आशीर्वाद आशीर्वाद प्रणाम प्रणाम। अब भगवान करे पसंद आ जाए, आज फाइनल है। अच्छा। अब पसंद आ जाएगी तो आज अच्छा हो जाएगा, डन हो जाएगा। हाँ ठीक है, तब शाम को मिलता हूँ। हाँ सेना दूसरी है एक, पापा और मैं जा रहे हैं। वहाँ ठीक है अच्छा काम ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके ओके। अब पसंद आएगी तो ले आएंगे, बात कर लेंगे, और नहीं आएंगे तो क्या करेंगे तब। हाँ ठीक है, तब बाय बाय बाय। मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगा भगवान, हो जाएगा आज जा रहे हैं फाइनल आज। अच्छा, अच्छा आज हो ही जाएगा वहाँ। अच्छा ठीक है। दादी ने मेरे को इतनी बार बोल दिया कि शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले, मतलब हमेशा बोलती है बेटा शादी कर ले नाती शादी कर ले, और मैं हमेशा टरकाता हूँ, मैं बोलता हूँ दादी अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। आज मैंने ऐसे बहाना बना दिया, दादी मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, अब शाम को बोलूँगा दादी पसंद नहीं आई मेरे को अभी नहीं करनी है, तो दादी बोल रही जब तक मैं मरती हूँ शादी कर ले ये कर ले वो कर ले। मैंने बोला थोड़ा वेट कर ले हो जाएगी शादी, लेकिन दादी का है कि मतलब अभी तो कर ले, तो मैंने बोला रुक जा दादी करते हैं। तो अभी मैंने वो दादी को बोला कि दादी बोल रही मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मैंने बोला हो जाएगी हो जाएगी। फिलहाल मैं और पापा निकल गए और ये ना पापा के लिए बाइक के लिए तेल भी लेके आना वहाँ से, तो अभी पापा तो आ ही रहे हैं पीछे से और मैं आगे आगे चले गया हूँ रोड पे। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम जय श्री राम। चलो भर बधाई हो भाई जी। अरे इन्होंने भी ना गाड़ी ले ली, शाम को दिखाएंगे आपको गाड़ी। ओ सॉरी 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 गिर गया डोडो। ये
अभी हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं और यहाँ पे इतनी गर्मी है ना भाई साहब, मतलब पहाड़ों में हमारे घर पे ठंड हो रही है और यहाँ पे जाम इतना भयंकर, गर्मी इतनी भयंकर, मतलब यहाँ से आइडिया लगा जाता है कि अभी शहरों में बिल्कुल ठंड नहीं होने वाली है, तो अभी इतनी गर्मी तो यहाँ पे हो रही है जो पहाड़ों के इतने नज़दीक हैं, तो शहरों में क्या हाल हो रहे होंगे। बाकी अभी मतलब 4 घंटे हो गए हैं ट्रक लगातार ट्रेवल करते करते। भाई समोसा खाना मोहन चो मानो समोसा वही 15 रुपये 15 दिए 45 जो चीज़ 30 रुपये में 45 है भाई, अब कैन खाने यार ये तो बहुत गलत हो गया। समोसा पहाड़ का समोसा दिए कि मोहन मानो समोसा खाने का बहुत महंगाई हो गई है, ऐसे महंगाई में जीना मुश्किल हो जाएगा इधर। तो यार फाइनली हम लोग रुद्रप्रयाग में पहुंच गए हैं, पापा लोगों का काम था विकास भवन में, उनको वहां छोड़ दिया। और आज जिस चीज़ के लिए मैं यहां पर आया हूं ना वो है कोटेश्वर महादेव का मंदिर, मतलब ये रुद्रप्रयाग में है और इसी चीज़ के लिए आज सोमवार भी था तो मैंने सोचा आज यहां पर चलते हैं, आज आपको भी दिखाते हैं एक सुंदर सा मंदिर और क्यों ये विख्यात है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्या इसकी मान्यता है, आज आपको पूरा दिखाएंगे कहाँ पर ये सिचुएटेड है। ये जो मंदिर है ना सामने से जो रोड जा रही है यहाँ से ये बद्रीनाथ के लिए जा रही है और हम लोग जो चोपटा से हैं मतलब 50 किलोमीटर दूर, तो ये लगभग सबके बीच में ही पड़ता है। अगर आप कभी बद्रीनाथ का प्लान करते हैं केदारनाथ का प्लान करते हैं तो आप ज़रूर से इस मंदिर पर भी विजिट कर सकते हैं। महाराज जी आपको बताएंगे कोटेश्वर महादेव क्यों प्रसिद्ध है। तत्र कोटीश्वरम लिंगम भुक्ति भुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रो कोटिशो ब्रह्म राक्षसा। कोटेश्वर के विषय में स्कंद पुराण के केदारखंड में ऐसा वर्णन आता है कि जहाँ पे आज वर्तमान में कोटेश्वर महादेव है वहाँ पे कलयुग से पहले पांडवों से भी पहले 1 कोटि ब्रह्म राक्षसों ने अपने आत्मोद्धार के लिए अपने कल्याण के लिए यहाँ पे तप किया। जब उन्होंने यहाँ पे तप किया तो भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया और भगवान शंकर से उन्होंने 2 वरदान मांगे, एक तो हमारा जो है जीवन मुक्त कर दो, हमको ब्रह्म राक्षसी और ऋषि में मुक्त कर दो, और जब हम मुक्त हो जाएंगे संपूर्ण वंशज हमारा मुक्त हो जाएगा तो पृथ्वी में हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तो आने वाले कलिकाल में कुछ इस प्रकार का उपाय करो जो कि हमारा नाम सतत आता रहे, हमेशा आता रहे। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं आज के बाद आप लोगों के नाम से यहाँ पे कोटेश्वर महादेव के रूप में इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ और आने वाले कलिकाल में इच्छित फल प्रदान करूँगा, लोगों को जो है मनोकामना पूर्ण करूँगा और आप लोगों का नाम विश्वविख्यात होगा। ये कोटेश्वर महादेव का प्रसिद्धि के कारण है। यहाँ पे इच्छा फल की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य जिस भाव से आता है उसकी कामना उस भाव से पूर्ण होती है। जय कोटेश्वर, जय कोटेश्वर महादेव, जय कोटेश्वर महादेव। तो कोटेश्वर महादेव मंदिर के बगल पर जो नदी बहती है ना वो है अलकनंदा और ये नदी आती है बद्रीनाथ से और इस नदी का फ्लो देखो, नदी से ऐसे जा रही है नीचे, वहाँ से फिर ऊपर आ रही है, ऐसे बीच में भंवर बन रहा है फिर आगे को बढ़ रही है। कोटेश्वर महादेव मंदिर में एक गुफा भी है, कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस गुफा का निर्माण अपने त्रिशूल से किया था। कुछ दंत कथाओं के अनुसार महाभारत काल में जब भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे तो वो कुछ टाइम के लिए इसमें ध्यान मग्न हो गए थे और उसके बाद यहीं से अपने भैंस का रूप धारण करके केदारनाथ की तरफ आगे बढ़ गए थे। और रोड से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 300 मीटर नीचे आना पड़ेगा, पूरी सीढ़ियाँ हैं, अच्छी मॉडरेट सीढ़ियाँ हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप कभी बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने आते हो या कहीं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो कोटेश्वर महादेव के दर्शन भी ज़रूर करिएगा। और ये जो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जो गुफा बनाई है देखो कितना बड़ा ये चट्टान है और कैसे करके भगवान शिव ने उस गुफा को बनाया होगा, तो ये है भाई कोटेश्वर महादेव की महिमा। तो चलो जी अभी हमारा काम निपट गया है, हो गया काम? हाँ, हो गया, कंप्लीट हो गया, फाइल जमा कर दिया है। हाँ। भर्जी ने जो है बहुत मेहनत, जिस कर जिस ऑफिस में हो गया भर्जी को जो है लोग खड़े हो गए भर्जी को कुछ छोड़ दे बैठो भर्जी, ये बड़ा यही तो हमारा एक सौभाग्य है कि ऑफिसरों ने कहा ये तो फायदा होता है, ये तो हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे फाइल में कहीं भी दिक्कत नहीं आई, फटाफट काम हो गए। चलो फिर ऐसा करो, सही बात है, जहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना हमने गाड़ी वहाँ पे लगाई है और यहाँ से मैं आपको कुछ रुद्रप्रयाग के कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ, कुछ व्यू दिखाता हूँ यहाँ से अमेजिंग वाले। तो भाई अभी हमारे रुद्रप्रयाग के काम निपट गए हैं और अभी हम निकल गए हैं घर के लिए, लेकिन अभी एक ऐसी लोकेशन पर बैठे हैं हम रुद्रप्रयाग की, मतलब वो यहाँ के ना सबसे फेमस लोकेशन है। सामने जो मार्केट है वो पूरा रुद्रप्रयाग है, हमारा जिला यहीं पर है, मतलब जिले के जितने भी ऑफिस हैं सारे यहीं पर हैं। तो आपने बहुत टाइम सुना होगा अगर रुद्रप्रयाग का संगम, जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है ना वो ये है भाई,
वो आ रही है जो हम कोटेश्वर महादेव गए थे बद्रीनाथ से, वो वाली नदी आ रही है। तो मटमेली कलर की वो नदी है और ये वाली मंदाकिनी नदी ये केदारनाथ से आ रही है, तो इन दोनों का संगम यहाँ पे बनता है। और अगर सच बताओ ना तो यहाँ देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ ना बारिश का मौसम भी आया होगा, सावन भी लगा होगा, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, पहाड़ भी मतलब उतने लग नहीं रहे, लेकिन घर पर ठंड लगने लगी बारिश से, देखो जहाँ तहाँ टूटा ही रहता है, और यहाँ का मौसम देखो यार। इसीलिए शहर के लोग बेताब रहते हैं कि हमें पहाड़ों पर जाना है, पहाड़ों पर जाना है, क्योंकि वो यहाँ नीचे तो मौसम ऐसा है और ऊपर जाते हैं बिल्कुल चेंज मिलता है उनको। तो ये डिफरेंस है पहाड़ों और शहरों का। तो घर पहुँचते पहुँचते ना टाइम 6:57 हो गए और मौसम देखो पूरा काला हो रखा इधर। दादी बैठी हो? बैठी हूँ बेटा। हो गया वह काम? हो गया वह? अच्छा हो गया, ठीक है। अब पसंद आ गई है? हाँ। अब 4 साल बोल रखा है? हाँ, चार साल में बल हो जाएगी उस शादी। अभी 3 बोलती ना, 4 बोला, 4 लड़की ने 4 बोला है। हाँ थक गए, 4 साल में बोला उसने। सब माँ बाप है, 2 भाई है, 2 भाई, 1 भाई फौज में, 1 रेलवे में है। 1 भाई फौज में है, 1 रेलवे में है नौकरी। बहन तब एक ही है, अच्छा यही आएगी वो, शूर बांगर की है वो, शूर बांगर, शूर बांगर, बांगर पट्टी। वही ना आप खुश रौनक काकर, वो रहता है श्रीनगर, श्रीनगर है ना। अच्छा आप खुश हो गई? हाँ तो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, ठीक है। तेरे मन पसंद आ गया तो मैं भी, मेरे बेटा का पसंद आ गया था भाई। क्या मौसम भयंकर वाली, जितनी गर्मी नीचे हुई ना उतनी ही यहाँ पे बारिश हो रही है, उतनी तेज बारिश, मतलब जैसे घर आए बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा हुआ मतलब रास्ते में बारिश नहीं होती तो रास्ते ब्लॉक हो जाते। तो अभी हम लोग घर पे आ गए, मम्मी ने ना डिनर ही बना दिया और मम्मी की भी हालत खराब हो गई कि आज आंखों में दर्द हो गया, लाइट दिन भर थी नहीं, फोन देखा नहीं, दर्द हो गया मम्मी की आंखों में भी। आज मम्मी ने बना रखा है कद्दू का साग, कद्दू की सब्जी, और पापा की भी ट्रेवलिंग में मतलब हालत खराब हो गई, वो इतनी उम्र में कभी रहे नहीं और आज दिन भर काम जब ज्यादा हो गया तो फिर वही दिक्कत होने लगी। तो अभी पापा ने बोला 1 रोटी खाऊंगा मैं सो जाऊंगा, मम्मी भी ऐसी हालत में, तो मैं भी चुपचाप 1 रोटी खाता हूँ। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग को ये पेंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।